ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात होगी। पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे हैं और 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में जो बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बाइडेन के साथ साथ पीएम की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी ये पहली मुलाकात होगी। पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे और वॉशिंगटन में हवाई अड्डे पर उतरे तो अधिकारियों के साथ वहां मौजूद भारतीयों ने भी उनका खूब स्वागत किया। इस पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, वॉशिंगटन में भारतीय समुदाय के लोगों के इस गर्मजोशी से स्वागत के लिए मैं आभारी हूं। हमारे प्रवासी हमारी ताकत हैं। भारतीय प्रवासियों ने दुनिया भर में खुद को बेहतर साबित किया है। पीएम मोदी की जो बाइडेन के साथ मुलाकात के अलावा 3 दिन की इस यात्रा में क्वाड शिखर सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस में संबोधन, कई कंपनी के सीईओ से मुलाकात होगी। 23 सितंबर को पीएम मोदी अलग अलग सीईओ से मुलाकात करेंगे। इन सीईओ में क्वालकॉम के हेड, एडोबी के चेयरपर्सन, फर्स्ट सोलर के सीईओ, जनरल एटोमिक्स के प्रमुख और ब्लैकस्टोन के संस्थापक शामिल होंगे। एप्पल हेड टिम कुक की मीटिंग में होना अभी कंफर्म नहीं हुआ है। बड़ी कंपनी के सीईओ से मीटिंग के बाद पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके बाद पीएम मोदी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच ये काफी अहम मुलाकात मानी जा रही है जो करीब घंटा भर चलेगी। और फिर 23 सितंबर को ही दिन के आखिरी मीटिंग में पीएम मोदी की मुलाकात जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ होगी। 24 सितंबर को अमेरिकी सुबह के हिसाब से 11 बजे भारत में जब रात 8:30 बजेंगे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ सीधी और पहली मीटिंग करेंगे। ये शिखर वार्ता व्हाइट हाउस में होगी और करीब घंटा भर चलेगी। पीएम मोदी के अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर यह सबसे जरूरी बैठक है और पूरे विश्व की नजर इस पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को यूएन में भी कहा, हमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका के बीच हेल्थ, सिक्योरिटी से लेकर क्लाइमेट चेंज और नई टेक्नोलॉजीज पर खास बात होगी, जिससे रीजनल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने के लिए क्वाड साझेदारी को बढ़ाएगा। जो बाइडेन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी क्वाड की बैठक में शामिल होंगे जो करीब 2 घंटा चलेगी। जो बाइडेन, पीएम मोदी, जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ व्हाइट हाउस में पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन होगा। इस मुलाकात में चीन की बढ़ती दिक्कतों पर बात हो सकती है। क्वाड मीटिंग के बाद मोदी वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क के लिए चले जाएंगे। दरअसल न्यूयॉर्क में पीएम मोदी का 25 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस की महासभा में काफी इम्पोर्टेंट संबोधन होने वाला है। यूएन में करीब 20 मिनट के संबोधन के बाद पीएम भारत वापस आ जाएंगे। जो बाइडेन के जनवरी में राष्ट्रपति बनने के बाद ये दोनों नेताओं के बीच कई बार डिजिटल माध्यमों से बातचीत हुई। इससे पहले पीएम मोदी सितंबर 2019 में अमेरिका यात्रा पर गए थे। उस वक्त उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ह्यूस्टन में काफी फेमस रहे हाउडी मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया था। अमेरिकी यात्रा करीब 6 महीनों में पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा है। इससे पहले मार्च में मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा की थी।